बिरसा स्टेडियम, ये वो स्टेडियम है और इस स्टेडियम की ये वो गैलरी है जहां पर किसी जमाने में महेंद्र सिंह धोनी बैठा करते थे, अपनी बारी का इंतजार करते थे और उसके बाद इंतजार करते थे कि कब वो अपने बल्ले का कमाल दिखाएं, कब वो अपनी बॉलिंग का कमाल दिखाएं। जी हाँ, ये वो स्टेडियम है जिसने इतिहास रचा है, लेकिन कौन सी है वो टीम जिसने उनके साथ ये इतिहास रचा था 2001 में जब यहाँ धोनी खेला करते थे। पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ है रॉबिन जो उनके भी कप्तान रहे हैं। कैसा लगता है रॉबिन कप्तान की कप्तानी करना? उस टाइम तो धोनी इंडिया का कप्तान नहीं था, तब मैं जब कप्तानी करता था, और अभी तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व फील होता है कि हम उसके साथ क्रिकेट खेले हैं। और उस टाइम वो सिरसा में आया था, मैं उससे चार महीना पहले आया था, तो मैं लीड करता था टीम को, मेरे अंडर में 3-4 साल खेला क्रिकेट सिरसा में। और मैं एक चीज उसके लिए बोलना जरूर चाहूंगा, वो क्रिकेटर से अच्छा आदमी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग लोकल मोहल्ले नुक्कड़ के लड़के सब मिल के गए थे मिलने के लिए, उसने मेरे को रूम की चाबी दी, ये रूम की चाबी ईडन में मिला, बोला जाके बैठो। वो हमारे लिए बहुत प्राउड फील वाला बात था। एक चाय वाला थॉमस है जिसको हम लोग लेके गए, फिर रामू भी टीटी है, उनके साथ ज्वाइन किए थे, मैं भी टीटी हूँ, ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत मैंने बड़ा गर्व की बात है। अनिकेत उस टाइम विकेट कीपिंग करता था। रेल के कोटे में रहना अनिकेत और रेलवे में रहना, कैसे इस सब में चलते हैं? आईपीएल चल रहा है यहाँ पर, केपीएल चल रही है, आपको बता दें खड़गपुर प्रीमियर लीग चल रही है जहाँ पर 8 टीमें खेल रही है, इन सबकी टीम खेल रही है इसलिए इतना टेंशन है और बार बार मैदान की तरफ देख रहे हैं कि टीम ने का कोई मेंबर आउट तो नहीं हो गया, खिलाड़ी टेंशन बरकरार है। तो जब साथ में खेलते थे तब कैसा टेंशन होता था, तब किस तरह से खेलते थे? तब हम लोग का जब हम लोग मैच खेलते हैं तब हम लोग का प्रेशर कम रहता है, इनफैक्ट मैंने बाहर बैठ के मैच देखने से ज्यादा। और हम लोग का टीम उस टाइम बहुत अच्छा था, हम लोग गोल्डन पीरियड पे थे, धोनी भी उस टाइम इंडिया के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हम लोग भी कैरियर का पीक में थे उस टाइम। काफी एंजॉय किए वो ट्रिप हम लोग, काफी हम लोग सक्सेस दिए रेलवे को। रेलवे के नाम से जाना जाता है खड़गपुर, दरअसल पूरा शहर ही रेलवे का है। सेंचुरी से ज्यादा, एक शतक से ज्यादा पुराना तो ये स्टेडियम है, अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, लेकिन आप भी एक इतिहास के पन्ने पर दर्ज हैं। जब MHD फिल्म बना तो उसमें मैं एज ए टीटी उसको मैं टिकट चेकिंग पूरा सिखाया था, तो उसमें मेरा एक छोटा सा रोल है, तो उस फिल्म के कारण मैं भी उसके साथ धोनी के साथ जुड़ गया। और 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, तो उस समय मैं 10 साल का था, तो कपिल देव का कटआउट मेरे को हाथ में देकर मैं आगे अपना मार्च में कर रहा था, तो माही को मैं बोला करता था कि देखो मैं कपिल देव वर्ल्ड कप जीता था तो मैं कटआउट लेके घुमा था उसका, तो हमको क्या पता था कि MS धोनी खुद वर्ल्ड कप जीतेगा, फिर उसका कटआउट लोग हम लोग यहाँ सर में पूरा घूमा था। जब हम लोग इंटरेल मैच खेलते थे, एक साथ खेलते थे, तो एक मैच अपना सेंट्रल रेलवे के साथ नागपुर में था, 2003 की बात है, तो एक प्लेयर हुआ करता था संतोष सक्सेना, जो इंडिया ये खेला, मुंबई के लिए खेला, बहुत अच्छा बॉलर था, इंडिया खेलना चाहिए था उनको, तो मेरा दोस्त था, तो हम लोग नीचे लॉन में आमदार निवास में हम लोग ठहरे थे नागपुर में, तो काफ़ी बड़ा लॉन था, तो मैं संतोष को बोला, वो टेनिस बॉल से खेल रहे थे, तो बोला संतोष एक काम करते, एक बॉल मेरे को खेलने दो भाई, तो बोलता नहीं एक काम करो 500 रुपया तुम निकालो और हम लोग के साथ चैलेंज मैच लगाओ तो खेलेंगे। तो माही ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पर, बोला सत्तू भैया चैलेंज लगा लीजिए उससे, तो 500 रुपया देने को माही तैयार हो गया, तो संतोष बोला ठीक है तू एक काम कर, एक ट्रायल दे मेरे को, बॉलिंग किया मैंने, उसको मार दिया छक्का, बोलता अरे अरे नहीं खेलेंगे, बस माही इतना ही बोलना था कि डर गया, उसको पूरा लेफ्ट राइट कर दिया संतोष ने, उसको ऐसा तैसा बात जो नहीं बोलना चाहिए हर कुछ बोला, बेचारे ने किसी को कुछ भी एक शब्द नहीं बोला, संतोष को एक बात तक नहीं बोला, लेकिन नेक्स्ट डे जो मैच में जो धुनाई किया शायद संतोष आज तक भी नहीं भूला होगा। तो ये हम मान ले कि अगर धोनी किसी के साथ सारा दिन खाते पीते हैं सब कुछ ठीक है, क्रिकेट के मैदान में अर्जुन है और मछली की आंख है। आप अपने अपने लफ्जों में कुछ भी जोड़ लीजिए लेकिन तरीका वही है। मैं तो बचपन से जानता हूँ हम लोग धोनी को, हम धोनी के दोस्त भी धोनी को नहीं जानते थे, ये जरूर पता था कि वो इंडिया खेलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर उसके अंडर में खेलेंगे, नॉट ओनली सचिन तेंदुलकर बट ऑल्सो पूछता था उसको, बाकी सारे खेलोगे मई तुम कब खेलोगे, मैं तरस गया, नॉट ओनली सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विवेक लक्ष्मण से लेकर के विराट कोहली तक, लेकिन एक छोटे से जगह का खिलाड़ी, एक लड़का जो कि कभी उनके आसपास नहीं था, उन बड़े बड़े खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करता होगा ये बहुत बड़ा बात है, इसलिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहते हैं एक छोटी सी चींटी बड़े बड़े हाथियों को मार देती है, लेकिन यहाँ तो एक छोटे से शहर के लड़के ने बड़े बड़े महारथियों को एक ऐसा जवाब दिया है जिसे आने वाली कई सदियों में याद रखा जाएगा, न सिर्फ वर्ल्ड कप लेकिन सिरसा स्टेडियम से शुरू किया एक ऐसा करियर जिसे भले ही एक टीटी ने टिकट के जरिए शुरू किया हो, लेकिन अब लाखों लोग टिकट लेकर उसके स्टेडियम में आते हैं उसका मैच उसे मैदान में देखने के लिए।